मित्रों सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज के विचार लेकर मैं हाजिर हूँ। कहते हैं हार जले जले जूं लकड़ी, हार जले जूं लकड़ी, केस जले जूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। तो मित्रों कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जो आया है और जाएगा, लोग तमाम तरह की माया करते हैं और लोग मरने के पश्चात लोगों का धन, उसी संपत्ति, उसी ऊँटी चेन सिकड़ी, उसका धन दौलत कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब ले लेते हैं, उसी कपड़े को फेंक देते हैं। और तो हमें माया नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मैंने ऊपर लाइनें कहीं, पहले जो लाइनें बोली वो काफ़ी कुछ सिखाती हैं कि लोग हमारे धन से मोहब्बत करते हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। कम ही लोग होते हैं जो इंसानों से प्यार करते हैं, इसलिए हमें मोहब्बत त्याग कर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही इस दुनिया में रहेंगे, हमारा नाम इस दुनिया में रहेगा, अच्छे कर्म सत्कर्म ही हमारा साथ देंगे और धन संपदा सब बढ़ जाएगी, लोग इसको बांट लेंगे या दूसरे की हो जाएगी। तो कभी भी धन संपदा पर घमंड ना करें। लोग दिलों को दुखाते हैं, लेकिन वो पत्थर को पूछते हैं, पत्थर में खुदा ढूंढते हैं। तो लोगों को दुखी ना करें अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, बल्कि लोगों को अपनी वाणी, अपने वचनों द्वारा, अपनी बातों द्वारा खुश रखें। कभी भी किसी के हृदय को व्यथित न करें। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।